नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। देहरादून में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहे, साथ ही बीजेपी के दिग्गज नेता भी मंच पर मौजूद रहे। भारतीय संविधान के रचयिता और समाज सुधारक भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके संघर्ष को याद किया गया। इस दौरान देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब को याद किया और कहा कि उन्होंने अनुसूचित जातियों और जनजातियों को और समाज के पिछड़े वर्गों के लिए अतुलनीय संघर्ष किया है। संविधान के रचयिता हैं बाबा भीमराव अंबेडकर और एक नए रिफॉर्म के भी जितने छुआछूत बुराइयां इस देश में थी उन सबको मिटाने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और नए राष्ट्र के निर्माण के लिए नई जो संकल्पना थी उसके लिए उन्होंने काम किया, लोगों को अनेकों अधिकार दिए, साथ ही कर्तव्य बताने का काम किया। आज सबसे ज्यादा प्रासंगिकता अगर किसी की तो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की है और संविधान को ही खतरा है। इस समय एक ताकत वो है जो संविधान को खतरे में डाल रही है और एक ताकत वो है, सारी ताकतें मिलजुल कर संविधान को बचाने की कोशिश कर रही और इस समय लोकतंत्र का पर्व भी है। 24 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प पत्र मोदी जी की गारंटी से इन 10 सालों में लोगों की सामाजिकी, लोगों की आर्थिकी के लिए एक बड़ा संबल बनकर आया है। यह संकल्प पत्र इस बात की गारंटी है इन 70 सालों में जो वर्ग या जो जातियां जो विकास की अंतिम कतार पर खड़े थे आज वो देश के विकास की अग्रिम कतार पर आ गए हैं, ये इन 10 सालों की मोदी की गारंटी का असर है और आगे के भारत के लिए यह संकल्प पत्र देश के विकास का एक अद्भुत पत्र है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया और क्या कुछ उन्होंने कहा इस दौरान आपको भी सुनाते हैं। आज गद्या राम मुद्रा नौजलिया इसके केंद्र बिंदु पर विशाल जनसभा में यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई संजीव प्रताप सिंह और पूरनपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक जिनसे मेरा बहुत पुराना संबंध है आदरणीय बाबूराम पासवान जी, जिला महामंत्री जिन्होंने हम सब लोगों ने बहुत दिनों तक खटीमा क्षेत्र में साथ साथ काम किया, श्री महादेव गायन जी, विधानसभा के संयोजक जिला मंत्री श्री अनुराग अग्निहोत्री जी, भारतेंदु जी जिला मंत्री, शिवम जायसवाल जी मंडल अध्यक्ष, शिव कुमार गायन जी जिला पंचायत सदस्य, अजय वैद जी ग्राम प्रधान गबिया सहराई, अर्जुन मंडल जी ग्राम प्रधान, सुभाष सिकंदर जी सिकदार जी मंच पर आसीन हमारे खटीमा क्षेत्र के और उत्तराखंड में अनेक पदों पर रहे हैं, एडीसी के चेयरमैन भी रहे, बहुत समय संगठन का लंबे समय का जिन्होंने काम किया है आदरणीय धाम सिंह रावत जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण और बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, हमारे सभी नौजवान साथियों, हमारे सभी पंचायत के सभी प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और हमारे पत्रकार मित्र, सभी मीडिया के हमारे दोस्त, पत्रकार भाई, छायाकार बंधु, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी जितने प्रकार का भी हमारा मीडिया है, मैं सबसे पहले तो आप सब लोग इतनी विशाल संख्या में यहाँ पर एकत्र हुए और कल ही कार्यक्रम तय हुआ कि
आप सबके बीच में आना है। और मोदी जी ने अभी मोदी जी ऋषिकेश आए थे 2 दिन पहले, उन्होंने कहा धामी जी अब कहीं भी आप जाओगे जनसभा में लोगों से मिलोगे संवाद करोगे तो सबसे पहले जाकर मेरा प्रणाम बोलना, सबको मेरी राम राम बोलना, मोदी जी की तरफ से आप सबको राम राम और योगी जी की तरफ से भी राम राम, मोदी कल आए थे हल्द्वानी में उनकी तरफ से भी राम राम और मैं अपनी तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि बड़ी संख्या में आप आए हैं। हमारे पड़ोस का एक क्षेत्र है और बचपन से कभी ऐसा लगता नहीं है कि रामनगरा गबिया नौजलिया ये मेलाघाट से लगा हुआ सारा क्षेत्र कोई अलग क्षेत्र है। यहाँ के अनेक लोग सवेरे शाम वहां तक आते हैं, खटीमा के आसपास आते हैं, कोई कामों से आते हैं, बाजार के लिए आते हैं, अन्य चीजों के लिए आते हैं और वापस फिर लौटकर जो है अपने घर आ जाते हैं। इसलिए ऐसा लग नहीं रहा कि किसी में नई जगह आया हूँ और मुझे भी आज बहुत दिनों बाद और ये जो जिम्मेदारी मुझे आप सबके बीच में से मिली है उसके बाद पहली बार आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिला और आज इस चुनावी सभा में आप सबसे भेंट हो रही है। भाइयों बहनों हमने बहुत सारे काम उत्तराखंड के अंदर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में किए हैं और आज का दिन बड़ा विशेष दिन है। आज जहां हमारे नवरात्र का 6ठा दिन है वही आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भी है और आज ही के दिन हमारी भारतीय जनता पार्टी का आज संकल्प पत्र देश के सामने प्रस्तुत किया गया है और उस संकल्प पत्र में एक जो वैसे तो सभी के उत्थान का संकल्प पत्र है, विकसित भारत की गारंटी है, गरीबों के उत्थान का संकल्प पत्र है, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी है, उनके सशक्तिकरण की गारंटी है, नौजवानों के कौशल को आगे बढ़ाने की गारंटी है, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का ये संकल्प पत्र है। लेकिन उस संकल्प पत्र में एक जो 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में हुआ था, क्योंकि आप सब लोग बिल्कुल पड़ोस के लोग हैं, आप सबको मैं जरूर बताना चाहता हूं कि हमने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू हो मोदी जी के नेतृत्व में वो संकल्प पत्र भी उत्तराखंड में प्रस्तुत किया था और विधानसभा का चुनाव हुआ, सरकार गठन हो गई, नई सरकार बनते ही हमने सबसे पहला काम उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि कोई किसी भी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, सबके लिए उत्तराखंड में एक समान कानून की व्यवस्था आप कर दी है। विधेयक उत्तराखंड की विधानसभा ने पारित कर दिया, राष्ट्रपति महोदय ने भी उसको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और आज जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का प्रस्तुत हुआ है उस संकल्प पत्र में पूरे देश के अंदर आने वाले समय में समान नागरिक संहिता को लागू करने का वायदा किया गया है भाइयों बहनों। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में एक नया भारत बनने जा रहा है, एक नया भारत, एक ऐसा भारत जो पूरी दुनिया को दिशा देने का काम करेगा, जो पूरी दुनिया का नेतृत्व करने का काम करेगा और पूरी दुनिया का सिरमौर भारत बनेगा। भाइयों बहनों प्रधानमंत्री जी ने अभी देश के अंदर CAA का कानून लागू कर दिया, नागरिक संशोधन विधेयक देश के अंदर लागू हो गया है और इस कानून के लागू होने से विशेषकर जो लोग जो बड़ी संख्या में आज इन क्षेत्रों में है, हमारे यहाँ उधम सिंह नगर जनपद जो खटीमा से शुरू होकर जसपुर तक होता है उस पूरे जनपद में है और इस क्षेत्र के आसपास हम सब जानते हैं, उनको भारत की जो सदस्यता है, भारत की जो नागरिकता है,
अब वो आसानी से मिल जाएगी भाइयों बहनों, उनको भी वो सारे अधिकार मिल जाएंगे जो विस्थापित भाई बहन हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, पूर्वी पाकिस्तान से आए हैं, या अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, बौद्ध भाई हैं, उन सभी को नागरिकता मिलने के जो दरवाजे हैं वो दरवाजे खुल गए हैं। और दूसरे देशों से जो विस्थापित होकर भारत वाले भारत आने वाले हिंदू परिवार हैं उनके लिए एक वरदान साबित होगा। उनके जीवन में जो कठिनाइयां थी, उनके जीवन में जो परेशानियां थी, वो सारी की सारी दूर होगी। मुझे विश्वास है कि जल्द ही आप लोगों को भी, जो लोग वहां से आए हैं जिनकी नागरिकता नहीं हो पाई है, उन सबको नागरिकता मिल जाएगी। और नागरिकता के मिलने से अनेक जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपको अपना पक्का घर बना सकेंगे, अन्य प्रकार की सुविधाओं को आप यहाँ पर ले पाएंगे। आज मैं आप सबके बीच में जो हमारे इस क्षेत्र से अभी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं और जिनका एक बड़ा बैकग्राउंड राजनीतिक क्षेत्र का रहा है, एक अच्छा अनुभव है, बड़े ऊर्जावान है, बड़े मेहनती है और बहुत ही प्रतिभा उनके अंदर है। आपके क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय योगी जी ने, भारत के हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने आप सबके बीच में प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है श्री जितिन प्रसाद जी। और वो जैसे यहाँ से आप सब लोग उनको सांसद चुनकर भेजेंगे तो इस क्षेत्र की जो बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे जो काम होने हैं उनका वो हमारे बाबूराम पासवान जी के साथ मिलकर इन समस्याओं के समाधान के लिए काम करेंगे। मैं आज उन्हीं के लिए आप सबसे उन्हीं के लिए निवेदन करने के लिए आया हूं कि आप सब लोग उनको अपना मत समर्थन देकर यहां से भारी मतों से विजयी बनाकर भेजेंगे। भाइयों बहनों, आप सबको पता है बांग्लादेश से विस्थापित होकर बड़ी संख्या में लोग यहां रहते हैं, दुर्भाग्य की बात है। और मैं हमारे यहां उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जनपद में बहुत बड़ी संख्या में बंगाली समाज के लोग रहते हैं, सब जानते हैं आप सबको। और बड़ी विचित्र बात थी, दुर्भाग्य की बात थी कि उनका जब सर्टिफिकेट बनता था, कोई सर्टिफिकेट बनता था, जाति प्रमाण पत्र बनता था, तो उसमें जानते क्या लिखा रहता था, पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित लिखा जाता था। और कई सालों से चल रहा था, कई बार लोगों ने इसके लिए प्रयास भी किया लेकिन ये हटा नहीं। मैंने जैसे ही मुझे जिम्मेदारी मिली, मैं मुख्य सेवक के रूप में मैंने दायित्व पर काम करना शुरू किया और दशकों से जो बंगाली समाज के लोग यहां रहकर इस मिट्टी की सेवा कर रहे थे, हमने कहा कि ये भेदभाव हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर ये भेदभाव नहीं होगा। और जैसे देश के अन्य नागरिक रहते हैं उनके साथ बिल्कुल उन्हीं उसी तरह का सम्मान उनका भी होना चाहिए। और हमने फैसला लिया कि इनके जाति प्रमाण पत्र में से पूर्वी पाकिस्तान विस्थापित होकर आए हैं, अब ऐसा नहीं लिखा जाएगा भाइयों बहनों, इसको हमने समाप्त कर दिया। इसके साथ ही अभी चुनाव आचार संहिता शुरू होने से पहले उधम सिंह नगर जनपद में बहुत बड़ी संख्या में बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं, हमने विभाजन विभिषिका दिवस 1971 में जब हमारे बांग्लादेश से अनेक लोग विस्थापित होकर आए उनके लिए हमने विभाजन विभिषिका दिवस भी मनाया, उन सबका सम्मान किया, उनका स्मरण किया जो शहीद हुए, जिनके साथ अत्याचार हुआ, जिनके साथ वहां पर मारपीट हुई, तमाम प्रकार के कष्ट उनको मिले, तो भाइयों बहनों उनका सम्मान भी किया, उनका स्मरण भी किया। और मैंने वहां पर एक बंद भवन बनाए जाने की घोषणा भी की है, निकट भविष्य में एक बंद भवन भी वहां बनाया जाएगा। और साथ ही साथ जो नजूल भूमि पर बहुत बड़ी संख्या में वहां हमारे बंगाली समाज के लोग हैं उनको मालिकाना हक देने का काम भी हमने किया है। और 2600 लोगों को अभी 2600 लोगों को फ्री होल्ड उनको पट्टे दिए गए हैं, अब वो अपना मकान बना पाएंगे और उसमें कोई शुल्क हमने नहीं लिया है, बिल्कुल निःशुल्क। और किसी को भी किसी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़े, किसी सरकारी दफ्तर में जाने की उनको जरूरत नहीं पड़ी, सारे के सारे पट्टे हमारे सारे अधिकारियों ने उनको घरों पर जाकर दिए हैं। जो भी औपचारिकताएं करनी थी, जो भी फॉर्म भरवाना था, जहां भी दस्तखत करवाने थे,
वो सारे के सारे उनके घरों पर जाके किया है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बंगाली समाज के लोगों को जीवन को उनके बेहतर बनाने के लिए काम किया है, और इसी पार्टी के जब हमारे सबसे संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस कश्मीर को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, भाइयों बहनों आज कांग्रेस के लोग, ईएनडी जो गठबंधन बनाया, उस गठबंधन के लोग वो कहते हैं कि अरे कांग्रेस से ये धारा 370 कश्मीर से हटाने से उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या लेना देना है, उत्तराखंड के लोगों को क्या लेना देना है, बंगाल के लोगों का क्या लेना देना है, या बिहार के लोगों का क्या लेना देना है। बताइए भाइयों बहनों, जिस कश्मीर को बचाने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हो गए, जिस कश्मीर को बचाने के लिए हमारे सेना के हजारों हजारों लोगों ने अपनी शहादत दे दी, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, उसके बारे में इस प्रकार का प्रश्न उठाते हैं। आखिर इनकी मानसिकता क्या हो गई है? आखिर ये कहां देश को ले जाना चाहते हैं? आखिर ये देश के अंदर किस प्रकार का विभाजन करना चाहते हैं? इन्होंने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है, केवल वोट बैंक की राजनीति की है, और इसीलिए इन्होंने जब सीएए का कानून लाया गया था, प्रधानमंत्री मोदी जी जब सीएए का कानून ला रहे थे उसका भी इन लोगों ने विरोध किया भाइयों बहनों, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने पूरी दृढ़ता के साथ एक झटके में सीएए का कानून लागू कर दिया भाइयों बहनों, सबके लिए रास्ते खोल दिए। भाइयों बहनों, आप सभी लोग बहुत ही प्रबुद्ध लोग हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि इस पूरे क्षेत्र के आप सब सम्रांत भी हैं, आप सब लोग जागरूक भी हैं, और आप सब लोग यहाँ की क्रीम भी हैं। आप सभी जागरूक हैं किस प्रकार मोदी जी आप देश का विकास करके एक नए रास्ते पर ले जा रहे हैं। 2014 से पहले जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे तो हमारे देश की क्या स्थिति बन गई थी? पूरी दुनिया के अंदर भारत की पहचान दप्पू भारत के रूप में, पिछलप्पू भारत के रूप में पहचान बन गई थी। भाइयों बहनों, उस पहचान से निकालने का काम मोदी जी ने किया है। आज दुनिया के अंदर कोई घटना होती है, कोई बड़ा प्रकरण आता है, तो पूरी दुनिया अगर किसी का इंतजार करती है तो भारत के रुख का इंतजार करती है। ये नया भारत मोदी जी ने बनाया है। और 2014 से पहले किस प्रकार देश के अंदर भ्रष्टाचार था, किस प्रकार तुष्टीकरण था, हम सब जानते हैं भाइयों बहनों। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कोई घपला घोटाला ना आता हो, लेकिन 2014 के बाद भारत में एक तरह की नई राजनीति हो रही है जिसकी मूल भावना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यानी कि हर काम, हर योजनाएं हर वर्ग के लिए, किसी के साथ योजनाओं में भेदभाव नहीं, विकास के मामले में कोई भेदभाव नहीं, न्याय के मामले में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। आप जानते हैं मोदी जी ने पूरे देश को अपना परिवार मानकर काम किया है, गरीबों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए काम किया, अनेक योजनाएं लागू की हैं, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना। तो आप जानते ही, जिसको अभी आज के संकल्प पत्र में उसको अगले 5 सालों के लिए आगे बढ़ा दिया भाइयों बहनों। अब जो हमको कोरोना महामारी में अनाज मिलना प्रारंभ हुआ था, गरीब परिवारों के घर का चूल्हा जलता रहे, किसी को खाली पेट न सोना पड़े, वो योजना अब अगले 5 सालों के लिए मोदी जी ने बढ़ा दी है भाइयों बहनों। आज संकल्प पत्र जो प्रस्तुत किया है उसमें भी इसका वायदा किया गया है। इसके साथ साथ देश के अंदर बहुत सारे काम मोदी जी ने पिछले 10 सालों में किए हैं, पिछले 5 सालों में किए हैं, और 3 तलाक प्रथा को खत्म करना हो, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटानी हो, या सीएए का कानून लाना हो, या हमारे आराध्य देव, जैसे मैं मंदिर में गया है, हम सब लोग अगर कोई कष्ट आता है, कोई परेशानी आती है, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? राम राम निकलता है ना, राम राम। तो लंबे समय से हम सब प्रतीक्षा कर रहे थे कि अयोध्या में जहां भगवान राम पैदा हुए वहां उनका भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए, ये हम सबकी इच्छा थी ना। इस इच्छा को पूरा किसने किया? इस इच्छा को पूरा करने का काम हम सबको त्रेता युग के बाद फिर से राम युग में लौटाने का काम किसी ने किया तो भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया भाइयों बहनों। ऐसे अनेक कार्य जिसके बारे में कहा जाता था कि ये कोई
कोई बात करेगा तो दंगे हो जाएंगे, ये कोई मंदिर बना देगा तो ये हो जाएगा, धारा 370 हट जाएगी तो बड़ा कश्मीर के अंदर जो है खून खराबा हो जाएगा। ऐसे अनेक असंभव काम जो मोदी जी ने करके दिखा दिए, लेकिन कहीं तिनका भी नहीं हिला भाई, कहीं पर एक तिनका भी नहीं हिला और शांति से सारे के सारे काम होते गए। एक तरफ जहां मोदी जी आज रात दिन देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दूसरे लोग केवल तुष्टीकरण, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और अपनी पार्टियों का और अपने परिवारों को बचाने के लिए विमिल गठबंधन कर रहे हैं। आज देश में शांति है, प्रगति है, समृद्धि है, लेकिन हमें वो समय याद होगा जब देश में केवल भ्रष्टाचार होता था, देश में तुष्टीकरण होता था, केवल परिवार की राजनीति होती थी, आए दिन भ्रष्टाचार के मामले सामने आते थे। और उत्तर प्रदेश में तो सपा के राज में समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी होती थी तो उनके गुंडे और माफियाओं को संरक्षण मिलता था, लेकिन अब योगी जी के समय में ये तस्वीर बदल चुकी है पूरे उत्तर प्रदेश की। भाइयों बहनों, अब जो है कानून का राज स्थापित हो गया है, केंद्र में मोदी जी ने और राज्य में योगी जी ने पूरी तस्वीर राज्य की बदल दी है। और मोदी जी के आने के बाद पिछले 10 सालों में एक भी देश के अंदर घोटाला नहीं हुआ है, वहीं आपके उत्तर प्रदेश में जो गुंडे माफिया किस्म के लोगों की क्या दुर्गति हो रही है ये कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं गुंडों की जगह उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में या तो जेल पर है या फिर कहीं और है, जानते हैं आप सब। चाहे प्रदेश हो या देश हो, आज भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो विकास और सुशासन को साथ में लेकर चल रही है। इसलिए भाइयों बहनों, 19 अप्रैल को पहले चरण में यहां भी मतदान होना है, उत्तराखंड में भी मतदान होना है, तो 19 तारीख को आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में हम सबको अपना योगदान देना है। आप सभी लोग समाज के चैतन्य है, प्रबुद्ध जन है, तो आपका वोट के साथ ही आपको ये सुनिश्चित करना है कि पूरा समाज आज चूंकि क्या है कि देखिए, मैं कहीं भी देश में जा रहा हूं, मैं प्रदेश में गया हूं, देश में गया हूं, अनेक स्थानों पर गया हूं, कहीं पर भी इस बात की चर्चा नहीं हो रही है कि सरकार कोई और बनने वाली है। हर कोई कह रहा है सरकार भाजपा की बनने वाली है, सरकार मोदी जी की बनने वाली है और प्रधानमंत्री भी तीसरी बार मोदी जी ही बनने वाले हैं। इसलिए पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से भी चर्चा यही है कि यहां से भारतीय जनता पार्टी ही जीतने वाली है, यहाँ के लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जतिन प्रसाद जी को ही जिताने वाले हैं। इसलिए आपका एक एक वोट और आपके आस पड़ोस का वोट, नातेदारों का, रिश्तेदारों का, मिलने वालों का, जानने वालों का, पहचानने वालों का, सबका वोट करवाने की जिम्मेदारी आप सबकी है। मैं भी देवभूमि से आप सबसे ये आह्वान करने वाला हूँ, क्योंकि ये वोट देश की तरक्की के लिए होगा। भाइयों बहनों, ये वोट देश की तरक्की के लिए होगा, ये वोट महिला सशक्तिकरण के लिए होगा, हमारी महिलाओं के उत्थान के लिए होगा। आज ही संकल्प पत्र में जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज संकल्प पत्र जारी हुआ है, उस संकल्प पत्र में जहां पहले 1-2 लाख लखपति दीदी बनाने का अभियान, पूरे देश के 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प लिया गया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस उतना ही, नमस्कार।